नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Nazo 50A वर्सेस Motorola G31 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nazo 50A में 6.48 इंच जबकि Moto G31 में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Nazo 50A से कम है। विड्थ की बात करें तो Nazo 50A में 2.99 इंच जबकि Moto G31 में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Nazo 50A से कम है। बात करें थिकनेस की तो Nazo 50A में 0.38 इंच जबकि Moto G31 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Nazo 50A में 207 ग्राम जबकि Moto G31 में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Nazo 50A में IPS LCD जबकि Moto G31 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Nazo 50A में 6.5 इंचेस जबकि Moto G31 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Nazo 50A में 720x1600 और Moto G31 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Nazo 50A में 81.7% जबकि Moto G31 में 82.24% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Nazo 50A में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Moto G31 में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Nazo 50A में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Moto G31 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Nazo 50A में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Moto G31 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Nazo 50A में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Moto G31 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G52MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Nazo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB की RAM मिलती है, जबकि Moto G31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64 GB 128 GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Nazo 50A में अप टू 256 GB जबकि Moto G31 में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Nazo 50A में 6000 mAh जबकि Moto G31 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Nazo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Moto G31 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Narzo 50A में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Motorola G31 की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Moto G31 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A12 है, दूसरा Xiaomi Poco M2 Pro है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।